हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक बार राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ओके, जो भी लेबोरेटरी में जो वर्क होता है, ओके, तो उसके लिए कुछ केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, वो चाहे फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, ओके, तो इन स्टूडेंट्स के लिए फिर उन प्रोफेशनल्स के लिए क्या होती है, वैकेंसीज जारी होती है, तो जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में और उसके आंसर्स के बारे में आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो चाहे केमिकल हो, फूड हो या फिर फार्मा हो, ओके, तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए, ओके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन जो होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज टाइट्रेशन, ओके, तो आपको टाइट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज टाइट्रेशन, ओके, तो टाइट्रेशन इज द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस, ओके, इन विच concentration of unknown substance is find out by the concentration of known substance in the presence of indicator, okay, is called as titration। मतलब हम क्या करते हैं कि titration में एक हमारे पास unknown concentration का substance होता है और एक unknown concentration का होता है, तो हम known से क्या करते हैं, जो unknown compound होता है हमारा, okay, उसकी concentration हम पता करते हैं, और इसी procedure को हम क्या कहते हैं, titration कहते हैं, ओके। अब इसके टाइप्स कितने हैं, तो देखिए, देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। फर्स्ट इज एसिड बेस, सेकंड इज रेडॉक्स, थर्ड इज प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ओके। तो ये आपको लर्न करने हैं कि टाइट्रेशन के फोर टाइप्स होते हैं, ओके, जिसमें कि फर्स्ट है एसिड बेस, सेकंड है रेडॉक्स, थर्ड है प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ओके। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, कॉमनली फ्रेशर्स, ओके, व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैलिटी एंड व्हाट इज नॉर्मैलिटी, ओके, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो व्हाट इज मोलैरिटी, ओके, तो देखिए इसका आंसर हमें कैसे देना है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ 1000 ml, ओके, मतलब हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मतलब एक मोल 1000 ml सॉल्वेंट में मोल्स कितने हैं, ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी, ओके, तो मोलैरिटी ये हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ओके। देन व्हाट इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी यानी क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा पर लीटर था वो केजी में कन्वर्ट हो गया, ओके, दैट इज मोलैलिटी, ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज मोलैरिटी एंड व्हाट इज मोलैलिटी, तो मोलैरिटी का आंसर क्या रहेगा आपका, तो नंबर ऑफ ग्राम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 liter ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मतलब 1000 ml, ओके, 1000 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी, एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ओके, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलैलिटी, ओके। देन व्हाट इज नॉर्मैलिटी, तो देखिए नॉर्मैलिटी का आंसर कैसा रहेगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मतलब 1 liter सॉल्वेंट में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, दैट इज नॉर्मैलिटी, ओके। देन आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे NaOH, दैट इज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मुझे 1 molar का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि तो सिंपल फार्मूला है, आपको क्या करना है कि जिस भी मोलर का आपको बनाना है, ओके, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका जो मॉलिकुलर मास होता है, ओके, मानो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर मास है 40, ओके, देन 40 इंटू आपको जो भी मोल का बनाना है, 1 molar का बनाना है तो 1, मतलब 40 इंटू 1 और कितने ml में बनाना है, मानो 100 ml, 250 ml, 500 ml या 1000 ml में, तो क्या होगा, 1 molar इंटू क्या होगा, अगेन जिस भी मोलर का आपको बनाना है, जिसमें भी ml में आपको बनाना है, ओके, दैट इज क्या होगा आपका, इंटू में उतना आएगा, मतलब 40 × 1 × 1000 / 1000 आप करेंगे तो आप इजीली 1 molar का NaOH बना पाओगे, ओके। जैसे आपको
पता है कि ये क्या हुआ, वन मोलार का हो गया। वैसे ही अगर आपको क्या पता है, नॉर्मेलिटी का अगर बनाना है ओके, तो आपको उसका ग्राम इक्विवेलेंट नंबर पता होना चाहिए ओके। तो सेम प्रोसीजर से आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी भी इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे ओके दोस्तों। देन देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होता है, ये थर्ड क्वेश्चन अगर आप किसके लिए जा रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, तो व्हाट इज एचपीएलसी ओके एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। तो देखिए दोस्तों, एचपीएलसी इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ओके, यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। मतलब एचपीएलसी क्या है, ये क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको हम क्वांटिफाई मतलब कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है ये हम उसमें फाइंड आउट करते हैं ओके। तो ये हुआ व्हाट इज एचपीएलसी का आंसर। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी, मतलब जो एचपीएलसी होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए एचपीएलसी इज एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ओके, इन विच कंपाउंड आर गेटिंग सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन पोलैरिटी। मतलब वहाँ पर एचपीएलसी में जो भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सेपरेट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन पोलैरिटी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं ओके। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। देन थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज गैस क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। सो देखिए दोस्तों, गैस क्रोमेटोग्राफी इज एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन विच कंपाउंड्स आर गेटिंग सेपरेटेड ओके, इसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं ओके, और कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं और कंपाउंड्स को क्वांटिफाई करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी का, तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज द इट इज द सेपरेशन टेक्निक इन विच कंपाउंड्स आर गेटिंग सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ओके। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी में जो भी सेपरेशन कैरिड आउट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैरिड आउट होता है ओके दोस्तों। मतलब जो कंपाउंड लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, पहले इल्यूट होगा, देन उसके बाद उससे ज़्यादा वाला इल्यूट होगा, एंड देन उसके बाद लास्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लास्ट में इल्यूशन होगा ओके। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है ओके दोस्तों। देन आपको और पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेंसिटी ओके, व्हाट इज डेंसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ओके, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ओके। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या, तो देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों क्या है, डिफरेंट है ओके। इसमें हम क्या बता सकते हैं कि इनमें डेंसिटी में हम डायरेक्टली मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या लेते हैं कि वाटर लेते हैं ओके, वाटर एज एक सब्सटेंस लेते हैं, और उसके कंपेरिजन में हम क्या करते हैं फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है ये हम उसमें मेजर करते हैं ओके। देन देखिए दोस्तों, आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर मास ओके, इसको हम बोलते हैं, देन उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर पूछे जाएंगे ओके। तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं ओके। तो अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि वाटर का जो मॉलिकुलर वेट है ओके, या फिर मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि वाटर का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो है H2O ओके, और इसका मॉलिकुलर वेट जो है वो है 18। ऐसा क्यों, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 ओके, और उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो है 16, तो 16, और हाइड्रोजन के कितने हैं दो, मतलब कितने हुए 18, तो वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना हुआ 18 ओके दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, अगर आप इतना भी करते हैं तो आप इजीली क्या कर जाओगे, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।